और बच्चा लोग कैसे हो? चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। तो हाँ बच्चों, आज वो काम करेंगे जो अक्सर होता है, जैसे एक पर एक फ्री। हम काफी सारी चीजें खरीदते हैं इस अट्रैक्शन के लिए कि एक के साथ एक फ्री मिल ही रहा है। तो आज काम भी आपका ऐसा ही होगा। सर्दियों का टाइम है, काम इतना हो नहीं पा रहा, तो हम आज करेंगे एक काम के साथ एक काम फ्री। तो है ना बहुत बढ़िया सी बात। जब हम एक काम करेंगे, हमारे दो काम अपने आप हो जाएंगे, तो बहुत अच्छा लगेगा। इस वीडियो को आखिर तक देखिए बच्चों, बहुत पसंद आएगा। यहाँ देखिए बच्चों, अक्सर हमारी सिंक बंद हो जाती है, तो उसे कैसे साफ करना चाहिए ये तो मैंने पहले से ही बता रखा है। चिमनी के जो फिल्टर होते हैं वो गंदे हो जाते हैं, उसे कैसे साफ करें ये भी बड़े आसानी से हो जाते हैं, मैंने पहले आपको बता दिया। लेकिन आज मैं देख रही हूँ किचन की जब सफाई कर रही हूँ, अक्सर जब संडे के दिन मैं किचन को देखती हूँ, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि फिल्टर हैं जो चिमनी के वो काफ़ी गंदे हो रहे हैं। जो सिंक है हमारा गंदा हो चुका है, मतलब उसके अंदर काफ़ी पानी सा भर गया है, तो उसका पानी पहले तो पूरा हटा दीजिए, जो गंदा है जो नहीं जा पा रहा है नीचे, और उसे खाली कर दीजिए। खाली करने के बाद आपको काम क्या करना होगा वो देख लीजिए। आप कोई भी पॉलिथीन लगाकर इसे पूरा पैक कर लीजिए। जैसे मैं जो अभी करने वाली हूँ, वो अंदर पानी धीरे धीरे जाना शुरू ना हो जाए, क्योंकि जब हम सिंक को जब साफ करते हैं तब भी हम कुछ चीज़ों का यूज़ करते हैं, जब चिमनी को साफ करते हैं तब भी कुछ चीज़ों का यूज़ करते हैं, तो दोनों काम हम एक साथ ही करने वाले हैं। वहाँ मैंने पॉलिथीन डाल के पूरा पानी उसका निकाल दिया है और साफ कर दिया है। सिंक बंद जरूर है, लेकिन वो ऊपर से पानी जो गंदा था वो मैंने साफ कर दिया। अब इसमें रख दिए हैं मैंने वो फिल्टर जो चिमनी से निकाले। आपको करना क्या होगा, उबलता हुआ पानी इसके अंदर डाल दीजिए। एक बड़ा पतीला ले लीजिए, उसको उबाल कर इसमें डाल दीजिए, या फिर गीजर से अगर पानी आता है गर्म तो वो डाल दीजिए। मैं बस मुझे गर्म पानी चाहिए काफ़ी। बस डालकर आपको पानी इतना डालना होगा कि ये पूरे फिल्टर इसके अंदर डूब जाए। बस इतना करने के बाद आपको एक काम करना होगा छोटा सा, बहुत ही आसानी से मिलने वाला ड्रेनेक्स, वो हम पाउच लेंगे। मैं कोई ऐड नहीं कर रही हूँ बच्चों, मैं ये जो घर में करती आती हूँ वो सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो ये जो ड्रेनेक्स है उसको मैं धीरे धीरे इस चिमनी के फिल्टर के ऊपर डाल रही हूँ, जो गर्म पानी है उसमें डालना शुरू कर रही हूँ मैं। आप इसका जो रिजल्ट देखेंगे खुद ही आपको लगेगा कि एक के साथ एक काम फ्री बड़े आसानी से कैसे हो जाता है। ये पूरा ड्रेनेक्स डाल दीजिए। यहाँ देखिए, जैसे ही मैंने ड्रेनेक्स डाला इसने अपना काम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि पानी काफ़ी गर्म है। अब इसका रिजल्ट और अच्छा मिले तो यहाँ पर डाल दीजिए थोड़ा सा मीठा सोडा, 1 से 2 चम्मच डाल दीजिए मीठा सोडा जो हमारे किचन में होता है। तीसरा, सोने पे सुहागा, तीसरी चीज़ डाल दीजिए कोई भी डिश वॉश, जिससे आप वॉश बेसिन साफ करते हो या बर्तन साफ करते हो, या सर्फ भी डाल सकते हैं। बस तीनों डालकर आप इसका रिएक्शन देखिए तो खुद ही बहुत ही अच्छा लगेगा। बस बीच बीच में आपको करना ये होगा, 15 मिनट इसे छोड़ देना है। बस बीच बीच में जो हमने फिल्टर डाले हुए हैं, धीरे से उन फिल्टर्स को ऊपर नीचे करते जाइए, लेकिन याद ये रहे कि नीचे की पन्नी बिल्कुल भी सरकनी नहीं चाहिए। अगर पन्नी नीचे से निकल गई तो हमारी सिंक तो साफ होगी लेकिन फिल्टर में कमी रह जाएगी। तो ये हमें बड़े आराम से करना है। 15 मिनट बाद आप धीरे धीरे उन फिल्टर को निकाल लीजिए और किसी चिमटे की मदद से उस पन्नी को भी निकाल दीजिए। अब आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी बढ़िया सा काम हो गया। ये जो आपने सिंक जो आपका बंद पड़ा था वो सिंक तो साफ हुआ ही, बस फिल्टर में हल्के हाथ से ब्रश मार दीजिए और फिल्टर भी चमक गए। आपको तो पता है मेरी चिमनी काफ़ी पुरानी है, कम से कम 2003 से ये चिमनी को मैं यूज़ कर रही हूँ। तो इतनी पुरानी चिमनी भी आज भी वैसी बढ़िया काम करती है और फिल्टर भी मैंने कभी चेंज नहीं किए। इसी तरीके से मैं फिल्टर को साफ करती रहती हूँ। और आज तो मैंने आपको बता दिया एक काम के साथ दूसरा काम आराम से हो जाएगा। अब आप इस दोनों ही फिल्टर को रख दीजिए साफ करके, जब तक कि इसका पूरा पानी निकल ना जाए। अब आपका सिंक भी साफ हो गया है, जो नॉर्मल तरीके से आप साफ करते हैं उसे आप सिंक भी साफ कर दीजिए। इसी तरीके से हमें टाइम टू टाइम हर चीज़ को साफ करते रहना चाहिए, जिससे हमारा काम बड़ा आसान हो जाए, क्योंकि काम तो हम ढेरों करते हैं लेकिन उन्हें सफाई के लिए वक्त बहुत कम देते हैं।
तो अब आपका काम बड़ा आसान हो गया। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर बच्चों इस चैनल पर आप नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल न जाएं।